करेंगे कलानौर की, जहां पर एटीएम में लूट की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। यानी कि चोरों के हौसले काफी बुलंद है। चोरों ने एटीएम में कैश की चोरी की। एटीएम से करीब 6 लाख रुपए की ये चोरी की गई और एटीएम को कटर से काट कर चोरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कलानौर से बड़ी खबर, एटीएम चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने एटीएम में कैश की चोरी की, साथ ही चोरी करते ही चोर फरार हो गए। करीब 6 लाख रुपए की ये पूरी चोरी हुई। राज्य में लगातार जो है एटीएम चोरी की घटनाएं हो रही हैं, पर इसके बाद भी पुलिस इस तरह की चोरियों को रोकने में नाकाम है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। और इसी कड़ी में ये एक और मामला कलानौर से आपको बता रहे हैं, जहां एटीएम चोरों ने इलाके के गांव में जाकर एसबीआई के एटीएम को कटर से काटकर उसमें करीब 6,06,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात करने के बाद चोर फरार भी हो गए। हालांकि उनकी ये सारी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने केस हालांकि दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, एटीएम में कैश की चोरी करते हुए नजर आए। आज एसबीआई बैंक के कर्मचारी राजपाल सिंह थाने में पहुंचे इस रात को 4 बजे के लगभग। उन्होंने सूचना दी कि हमारा आउल गांव में एटीएम है, वहाँ कुछ गड़बड़ के बारे में सूचना मिली है। पुलिस तुरंत राजपाल को लेकर मौके में पहुंची। तब तक एटीएम मशीन को कटर से काट करके कैश वगैरह लेकर मुस्लिम जा चुके थे। पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। साइबर सेल और सीन ऑफ क्राइम टीम्स की मदद से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, जल्दी इनको राउट ऑफ करते हैं। आज एसबीआई बैंक के लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है, कलानौर का ये पूरा मामला है। एटीएम से 6 लाख रुपए की चोरी की एसबीआई का ये एटीएम, साथ ही चोरों की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, रोहतक के पास एक प्रीति आवल गांव है और इसमें एसबीआई बैंक का जो है एटीएम लगा हुआ था। तो रात को एटीएम चोरों ने बड़ी एक जिस तरह से फिल्मी अंदाज में यहाँ एटीएम में घुसे और कटर के द्वारा इसको काटा और इसे लगभग 6.5 लाख रुपए की नकदी निकाल कर ले गए। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसमें पहले जो डकैत पोस्ट बदमाश घुसा, एक उसकी तस्वीर इसमें कैद होगी। दूसरा जिसमें फिर उसके ऊपर स्प्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है एक बदमाश, और ये नकदी ले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है प्रीति। लेकिन देवेंद्र, जिस तरीके से लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है, वही कहीं ना कहीं खाकी पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जरूरत है और भी ज्यादा पुलिस को सख्त होने की? देखिए प्रीति, ये एटीएम जो है एक बहुत ही आसान टारगेट होता है बदमाशों का, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इतनी वारदात के बाद भी नहीं समझ पाए हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गार्ड की जरूरत होती है, गार्ड नहीं होता है। और एटीएम में खासतौर पर जिस तरह से लोगों को पता चल गया है कि विस्तार में जिस तरह से यहाँ पे नोट होते हैं और आसान तरीके से वो इसको निकाल ले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा होता है कि इतनी मुस्तैदी के, इतनी घटनाओं के बाद भी मुस्तैद नहीं हो पाई। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने कहा है कि वो इसके मामले को संज्ञान में लेकर इसकी विस्तार से जांच करेगी और आरोपियों को जल्दी से पकड़ेगी। प्रीति जी, देवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।